हाय दोस्तों, आज जो है हम लोग मास्टर गेम के ऊपर पहला वीडियो बनाने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कवर कर चुका हूँ। तो आज जो है हम लोग कमांड के ऊपर काम करने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम लोग लाइन पॉइंट वगैरह के ऊपर काम करेंगे, इसके बाद हम लोग 3D के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन पर जाएंगे। तो सबसे पहला जो है मेरा आज का कॉन्सेप्ट ये है, मैं ऑलमोस्ट 20-25 वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। और जो वीडियो है, इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे मास्टर गेम मेरा कवर हो, ठीक है। तो जुड़ते रहिए, आज ये पहला वीडियो है, तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा, पहला जो इंट्रोडक्शन था मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने उसको लिया है, उसका शॉर्टकट होता है FNF9। तो उसके बाद मैंने अल्टा रे वन डाल के टॉप व्यू में चला गया, ठीक है। तो अभी जो है मैं एक्स वाई प्लान में काम करूँगा, ठीक है। ये मेरा एक्स वाई प्लान है, तो इसके लिए मैं टॉप व्यू में हूँ, तो मैं टॉप व्यू में आपको काम करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ऑलरेडी हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे ड्राइंग बनाते जाएंगे कैसे मेजरमेंट करना है उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। व्यू वगैरह से आपको टूलपाथ मैनेजर वगैरह जैसे ऑन ऑफ करना है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑन है, ठीक है, ऐसे ऑफ करना है, हम उसके साथ करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जाके ऑन ऑफ करना है, तो फिर आपको टूलपाथ में जाना है। तो अभी के लिए जो है इसको डिफ़ॉल्ट रहेंगे, तो अभी मैंने कोई चूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम मशीनिंग पे जाएंगे तब हम इसको चूज़ करेंगे, अभी कुछ नहीं करना आपको। तो सबसे पहले जो आते हैं हम पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट जो ये पॉइंट आते हैं यहाँ पे आप एक्स की वाई की वैल्यू डाल सकते हो, तो हम मैन्युअली यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आते हैं मेरा पॉइंट डायनेमिक, ठीक है। पॉइंट डायनेमिक के लिए आपको यहाँ पे लाइन या आर्क की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एक लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ पे 100 की लाइन बनाऊँगा। मैं 100 बना के 100 को लॉक कर दिया हूँ, अभी मेरा 100 का ही लाइन बनेंगे। अब फिर यहाँ पे आप एंगल भी डाल सकते हो, सपोज़ मुझे ना 30 डिग्री एंगल पे इसको लॉक करना है, तो 100 mm के लाइन 30 डिग्री एंगल पे मेरा, सॉरी दोबारा ओके हो गया मेरा, तो मेरा ये 30 डिग्री एंगल में आ गया है, ठीक है। ऐसे आप लाइन भी डाल सकते हो। तो उसके बाद आता है मेरा क्रिएट में जाके, ठीक है, डायनेमिक में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे मैन्युअली पॉइंट सिलेक्ट करते हो, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे आपको पॉइंट लेना है, आप यहाँ पे पॉइंट मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे 20 mm के डिस्टेंस पे लेना है, ठीक है, तो मुझे 20 mm पे डिस्टेंस पे ले पाऊँगा। नेक्स्ट मुझे जो है 30 mm डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं यहाँ से 30 mm डिस्टेंस पे लूँगा। तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं मान लो 5 डालूँगा तो मुझे जो 5 mm ऑफसेट में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो लाइक इस तरीके से आप डिस्टेंस ले सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कोई दोबारा वही कमान आपको दोबारा वही सेम कमान लाना है, ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये था मेरा डायनेमिक पॉइंट। नेक्स्ट आता है मेरा नोड पॉइंट। नोड पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको एक स्प्लाइन बनाना पड़ता है, तो स्प्लाइन मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पर स्प्लाइन बना रहा हूँ। अब इसकी जो काम होता है, जो आपकी नोड पॉइंट होती है उसकी काम होता है, जो इसकी स्प्लाइन बनती है उसकी नोट पॉइंट निकालना। तो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, जैसे देखो देख पा रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट नोट पॉइंट मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल गया है। तो यहाँ पे हम यही करते हैं जिसकी हम लोग नोट पॉइंट निकालते हैं। थर्ड आता है मेरा सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट के लिए सबसे पहले आपको जो एक लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ पे 100 mm का लाइन बना रहा हूँ। अभी के लिए मैं 0 degree रख रहा हूँ, वर्टिकली रख रहा हूँ, चलिए हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ, तो इसको मैं ओके कर दिया। तो मैं क्रिएट में जाऊँगा, पॉइंट में जाके सेगमेंट। तो इसमें आप कितना सेगमेंट करना चाहते हो या कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, सपोज मुझे हर पॉइंट में मुझे 10 mm का चाहिए, तो डेफिनेटली ये हर पॉइंट को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये 10 सेगमेंट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जैसे मैं 10 ऑलरेडी 10 आएंगे तो 10 ही आएंगे, अगर मैं इसको 20 कर दूँगा तो ये 20 पॉइंट में डिवाइड हो जाएंगे। इसमें आपको फेल देने का जरूरत नहीं है, सेगमेंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप 10 डाल दो, भाई 20 डाल दो, तो 20 पॉइंट इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है आपकी, नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे एंड पॉइंट, ठीक है। तो एंड पॉइंट में होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लाइन आपको यहाँ पे भी शॉर्टकट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक कवर लाइन ले लिया, आई डोंट नो हाउ मच फेलो हैव गिवन, तो इसमें आपको जाके लाइन में पॉइंट में जाके एंड पॉइंट सिलेक्ट करना, तो ऑटोमेटिकली इसके जिसमें भी आपकी स्क्रीन में होंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन टेंजेंट होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है मेरा लाइन कहाँ होता है, तो हम इस तरीके से उसके एंड पॉइंट देख सकते हैं, ओके। तो उसके बाद उस पॉइंट में आप ट्रिम कर सकते हो। तो ये तरीका काम आता है, ये जितना मैं बता रहा हूँ सभी आपको काम पे आएंगे,
बस आपको देखना होता है कौन कहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आता है मेरा स्मॉल आर्क। स्मॉल आर्क के लिए हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक बड़ा सर्कल बनाया तो इसके आसपास में एक छोटा सर्कल बनाऊंगा, उसके आस में और एक जूम करूंगा, मैं अंदर से ले जाऊँगा, छोटा सर्कल बनाऊँगा तो उसके बगल में ना मैं और अंदर जा रहा हूँ, बहुत गहराई में चला गया मैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने इतना जूम किया है कि उसको मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पर है, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे सिंपली सबको सिलेक्ट करना है, क्रिएट में जाना है, पॉइंट में जाना है, स्मॉल में जाना है और मुझे एंटर करना है। सॉरी मैंने स्केच वो पॉइंट ले लिया हो, अब मुझे यहाँ पे जाके स्मॉल आर्क लेना है। अब मुझे जो ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके एंटर करना है। अब जैसे कुछ चीज़ जो फिजिबल नहीं है उसमें अगर आप एज ए पॉइंट देख पाओगे, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है आपकी जो एंटिटी होते हैं बहुत बड़े होते हैं और जिसमें कोई भी ड्रिलिंग पॉइंट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जरूरत पड़ता है जहाँ पे सर्कल होता है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का शेयर लेंगे तो हमको इसके स्मॉल आर्क इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम दिख जाएंगे कि यहाँ पे सम क्यूस है तो इसमें पॉइंट आ रही है, लाइक इस तरीके से हम देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है, थ्रेड पॉइंट। थ्रेड पॉइंट में क्या आते हैं, कहीं पर भी आपको थ्रेडिंग चाहिए तो आप थ्रेड पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कट पॉइंट, तो ये कट पॉइंट के लिए आपको काम आता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसमें देख पाओगे आप कहाँ पे कट पॉइंट यूज़ करना है तो वहाँ पे कट पॉइंट आप देख जाओगे। तो ये जो था पॉइंट के लिए था, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए अभी के लिए मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ, एक बार इसको आपको अंडू करके या उसको आप काट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे आपके काम ने काम किया, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कैसे भी हो कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसको डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है लाइन, ठीक है ना। लाइन हम यहाँ से भी देख पाएंगे, यहाँ से भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगे। तो लाइन में पहले मैंने आपको पहला लाइन बता चुका हूँ। दूसरा लाइन आता है मेरा क्रिएट लाइन क्लोजेस। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक मेरा लाइन है उसके बगल में एक लाइन जा रहा है। अब लाइन क्लोजेस से मतलब ये होता है कि इस लाइन से कौन सी नियरेस्ट पॉइंट मीट कर रहा है, ठीक है। और उसमें एक ऑटोमेटिकली लाइन जनरेट हो जाएगी। अब देख पा रहे हो सबसे नियरेस्ट पॉइंट ये है, तो ये सबसे नियरेस्ट लाइन क्लोजेस टू द लाइन एक लाइन बना लेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है आपका लाइन बाइसेक्ट। लाइन बाइसेक्ट तभी होता है जिसमें दो लाइन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बीच में एक ऑटोमेटिकली इसको बाइसेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने 25 mm का इसका डिस्टेंस मतलब लेंथ दे रखा है, इसको आप 50 mm भी कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो आती है आपकी लाइन परपेंडिकुलर, किसी लाइन को सिलेक्ट करो किसी पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर, फिर आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन पे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन पैरेलल। लाइन पैरेलल में क्या आता है, आपको लाइन सेलेक्ट करना है, फिर आपको पैरेलल फेल जाना है। सपोज मुझे 50 mm जाना है तो आप डायरेक्शन में क्लिक करोगे, 50 mm सेलेक्ट करोगे तो 50 mm डायरेक्शन में एक ऑटोमेटिकली लाइन सेलेक्ट कर देंगे। फिर लाइन सेलेक्ट करोगे, सपोज मुझे 20 mm में चाहिए, 20 mm से फिर आपको डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए उसमें क्लिक करना है तो आपको 20 mm में एक लाइन मिल जाएंगे। लाइक इस तरीके से हम लाइन पैरेलल करते हो, आप इस डायरेक्शन में इसको रिवर्स डायरेक्शन भी कर सकते हो, बोर्ड चाहिए बोर्ड भी ला सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट 1 है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी लास्ट वाला चीज़ आता है पॉइंट टू द टेंजेंट। इसके लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट वाला क्रिएट लाइन टेंजेंट टू ए पॉइंट। पहले मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया हो, उसके बाद मैं उसके पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन बन के आएंगे। देख पा रहे हो आप सर, इस तरीके से हम एक बनाएंगे। दूसरी चीज़ लाइन में क्या आता है, लाइन इसमें एक ऑप्शन आता है टेंजेंट का। जैसे मैं लाइन बनाऊंगा इसको टेंजेंट ऑन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट पकड़ लेता है। देखो आप टेंजेंट पकड़ लिया इसने, तो लाइक इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। देखो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना, 3D में काम करते हैं, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे मोल्ड डाई वगैरह बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, तो मैं जो है NX में काम करता हूँ बेसिकली, मोल्ड डिज़ाइन वहीं पे करता हूँ मैं। तो जैसे मैं पीस को इंपोर्ट करता हूँ वहाँ पे, जैसे मेरा कोर हो गया, कैविटी हो गई, कोई ब्लॉक हो गई, तो जैसे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, कभी कभी आपको मैनुअल के लिए जैसे कुछ 3D ऑपरेशन इसमें कोई डिफरेंट दिक्कत आ रही है तो हम इसको 2D में कन्वर्ट करके भी करते हैं। तो उस इन दैट केस आपको ये यूज़ करना होता है, ये सब आपको काम आएंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि मैं तो 3D में काम करता हूँ तो मेरा 2D में क्या ज़रूरत है, 2D में मेरा यूज़ नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है। आप वो चीज़ें आपको यूज़ में मिलेंगे, ठीक है। तो आप जैसे इसमें अंदर घुस जाओगे ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा 2D में, ठीक है। तो आप इसको निगलेक्ट मत कीजिए, तो आपका काम सभी आएंगे, सबके काम, ठीक है दोस्तों। तो
तो आई थिंक लाइन आपके क्लियर है। तो थर्ड जो मेरा कंटेंट है आर्क के ऊपर है। आर्क जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत काम का भी है, बहुत कुछ चीज़ें बनती भी है इससे, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है ना आर्क एच पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एच पॉइंट से हम बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अभी टू पॉइंट से लेकर रखा हो तो टू पॉइंट ही आएंगे, फिर यहाँ पे थ्री पॉइंट से लेकर होगा तो आपको टू पॉइंट है, और इसमें थ्री पॉइंट से मिलेंगे तो थ्री पॉइंट मिलेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थ्री पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे आप रेडियस सेट भी कर सकते हो, जैसे आप कोई पॉइंट लेते हो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आप रेडियस भी चूज कर सकते हो। लगभग बस मुझे 50 का ही बनानी है तो आप 50 का ही बना सकते हो, ठीक है। टेंजेंट लगाना है सपोज, तो यहाँ पे आप टेंजेंट भी बना सकते हो रेडियस डाल के। सपोज मुझे 20 का रेडियस है, 20 का बनाना, अब क्यों आप टेंजेंट करके इसको पहले से बना सकते हो, ठीक है। अभी मैंने इसको फेलू चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। क्रिएट पोलर आर्क, तो इसमें क्या होता है सर्कल बनाना है, फिर कहाँ से कहाँ आर्क चाहिए या फिर आप रेडियस डाल लो इसमें, कितना रेडियस है। ये होता है दोस्तों उस पॉइंट से कितना एमएम आप रख लो, यहाँ से इस सेंटर से इस 19 एमएम यहाँ पे है, मतलब हम लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स से लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको कर दूंगा 30 एमएम, तो आप यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके सेंटर जो है, सेंटर से जो कोऑर्डिनेट है ये एंगल जो हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगी, और ये जो सेंटर स्ट्रेट है ये 94 है, मतलब जो वाई है मेरा इसको मैं अगर यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर हूँ 4 एमएम आगे निकाला है, तो मैं इसको अगर कर दूंगा 120 to 120 एमएम इस सेंटर से, जो मेरा इस सेंटर से लाइन है ये जो बन जाएगी 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो लाइक इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं आर्क से भी। क्रिएट सर्कल पॉइंट, इसमें क्या होता है एंटर द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, आप सिमिलरली इसको बना सकते हो। पहले हमने आर्क बनाया था, अब हम सर्कल बना रहे हैं। क्रिएट आर्क एंड पॉइंट, आप यहाँ पे रेडियस डालो, सपोज मैंने यहाँ पे 20 का रेडियस डाल दिया। अब इस 20 के हिसाब से देखो कैनॉट क्रिएट आर्क, क्योंकि आपके हिसाब से वो बहुत छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से आपको छोटा बड़ा करके आप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट तो आता है मेरा 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सिंपल है ये, है ना। ऑलरेडी आप ऑटोकैड वगैरह यूज़ करते हो तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएट आर्क पोलर एंड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या आता है सिमिलरली वही चीज़ आता है, आपको यहाँ पे एंड पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो मेरे यहाँ पे कुछ नहीं आ रही क्योंकि मैंने रेडियस नहीं डाला, तो आपको यहाँ पे रेडियस डालना पड़ेगा। 20 एमएम का रेडियस डालोगे तो 20 एमएम का आपको सर्कल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ गैप रखना है 20 एमएम की तो आप यहाँ पे 20 एमएम खुला रह जाएगी इस तरीके से। इसको मैं डालूंगा 50 का तो ये 50 का ही रह जाएगी, 20 25 कितना रह गया आपकी 90 में से, ठीक है। बस उतना आपको डिग्री का एंगल मिल जाएंगे। तो लाइक इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो आता है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कुछ चीज़ें यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे भी एक सर्कल बना देता हूँ मैं, जो मेरा पहला वाला है तो मैं ये वाला बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बना लिया मैंने, ये भी बना लिया। तो यहाँ पे मैं अभी जो कमान यूज़ करूँगा उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ऐड करके मैंने यहाँ पे वो कर दिया, ऐड करके आप यहाँ पे नया एक कमान ले सकते हो, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है सबसे लास्ट वाला क्रिएट आर्क टेंजेंट। सबसे पहले क्या होता है किसी लाइन के थ्रू आप किसी आर्क को आप टेंजेंट कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट और सेकंड जो मेरा ये पॉइंट, तो इसमें हम किसको टेंजेंट रखना है, किस आर्क को रखना है यहाँ पे। तो सपोज मुझे इस आर्क को रखना है, बेसिकली मैं साइड में करके दिखाता हूँ, यहाँ से बना के इसमें थोड़ा अच्छा चाहेंगे, ये लाइन है मेरा, इसमें थोड़ा बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ, ठीक है ना। ये इसमें ऑटोमेटिकली आपको सर्कल जो पहला वाला कमांड है इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस लाइन के आर्क बनाना है तो इस पॉइंट से कौन सी वाले आर्क बनाने कितना रेडियस का, सपोज मुझे आर्क सेलेक्ट करना है ये वाली, ये रखना है मुझे और रेडियस डालना है इसका मुझे 50, तो अब इसकी टेंजेंट थ्रू 50 का एक आपका आर्क बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कोई जैसे स्लॉट होती है, स्लॉट में क्या वहाँ से आपको क्लोज करना पड़ता है एज को, तो वो केस में हम क्या करेंगे इसके स्लॉट को ना हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये कमांड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपकी टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट में क्या होता है जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, मिनिमम क्या है 25 से कम नहीं है, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू इज तो बिग तो मैं इसको 200 कर देता हूँ, तो 200 के बीच में एक आपका आर्क बन के आएंगे। फिर इसमें आपको कौन सी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है, वो आर्क जो है यहाँ पे रह जाएंगे आपके। तो इस तरीके से हम इसकी आर्क बनाते हैं।
थर्ड जो आती है आपके सेंटर पॉइंट से आएंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये लाइन है, ठीक है, तो अब दूसरा लाइन में सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको सेंटर लाइन बनाना पड़ेंगे, एक लाइन बनाना पड़ेगा मुझे, दिक्कत थोड़ा, तो लाइन बनाना पड़ेगा मुझे, लाइन है मेरा ये और मेरा ये भी लाइन है, ठीक है, ये जो कमांड है मेरा टेंजेंट सेंटर लाइन, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, करना है बस आपको यहाँ पे एक पार्टिकुलर लाइन बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आपको जाके ये वाला लेना है, पहला ये लाइन, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन, फिर आपको जिसको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लो। तो इसमें क्या होगा, उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको जितने का रेडियस है उतने का वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। डायनेमिक टेंजेंसी में क्या होता है, लाइन सिलेक्ट करो, फिर उस पॉइंट से कितने का रेडियस लगाना है यहाँ पे, उस हिसाब से इस तरफ सही, उस तरफ सही आप आर्क लगा सकते हो, फिर उस पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया कमांड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके बाई थ्री पॉइंट, यहाँ पे तीन पॉइंट चले जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों में बन के एक आर्क बन के आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके तीन एंटिटी, ठीक है, अभी इसमें सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो मैं किससे बना दूँ, इस तीनों के बीच में बना देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पहले मैंने आर्क बनाया, अब ये सर्कल के लिए। नेक्स्ट आता है फिलेट के लिए, जैसे ये हमने बनाया था, इसको भी आप फिलेट बना सकते हो, कितने का बना, 25, मैंने मान लो 50 का, तो 50 का बने जाएंगे वो, आप भी कनेक्ट नहीं है फिर भी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो कितना था मेरा आर्क के तक, आई थिंक आपको बहुत सारे कुछ क्लियर हो गया होगा आर्क के ऊपर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे, कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़ भी सकते हो, ठीक है, क्लास के लिए भी अगर जुड़ सकते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो जैसे भी आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ एक आपको मैं ड्राइंग बना के दिखाऊँ, इसमें कैसे ड्राइंग बनती है, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी टॉप व्यू में हूँ, तो मैं एक ड्राइंग इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है। हम मेरी ड्राइंग देख लेते हैं, मेरा मेल पे पड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा ताफ से देखते हैं, ठीक है, जो जिसमें आर्क वर्क के काम आए तो उसमें आप भी बना लोगे, है ना। इसमें हैं तो मैं थोड़ा देखता हूँ किस तरीके से आपको ड्राइंग दिखाऊँ, ठीक है। टर्निंग बर्निंग प्रोफाइल के लिए सब यूज होता है, टर्निंग सॉरी फेमिलिंग प्रोफाइल के लिए सब यूज होते हैं, तो ये बनाऊँगा थोड़ा टाइम लग जाएगी, ठीक है। तो मैं यही बना लेता हूँ, कैसे बनाते हैं इसमें आपको दिखा भी दूंगा, है ना, यही बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरा 55 डायमीटर है और 90 डायमीटर का दो सर्कल बना लेता हूँ मैं पहले। तो मैं सेंटर से लूँगा, सर्कल में जाऊँगा, सर्कल सेंटर से, ठीक है। एक होगा आपके डायमीटर में दे रखा है, तो हम यहाँ पे फिर उधर लेंगे एक 90 का, ठीक है। और पहले मैंने 90 का सर्कल बनाया हूँ, उसके बाद जो सर्कल बनेगा 55 डायमीटर का है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 55 का एक, सॉरी 55 का ऑलरेडी आया, उपयोग करना है, तो यहाँ पे आपको डालना है 90 का, ठीक है। एक हो गया आपकी 55 डायमीटर, एक डालना है आपको 90 डायमीटर का सर्कल, ठीक है। अब उसमें मैंने ये बन दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस में है, कितने 60 mm डिस्टेंस में है, 30 डिग्री एंगल पे दो सर्कल है, ठीक है। तो मैं 30 डिग्री एंगल पे 60 में बनाऊंगा एक लाइन, तो मैं यहाँ पे सिंपली लाइन लूँगा, ठीक है। 60 डिस्टेंस दे रखा है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है। अब देखो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर मैं बनाऊँगा 30 डिग्री, तो मेरे 30 डिग्री तो यहाँ से बनेंगे, तो मुझे यहाँ पे 60 डिग्री करना होगा, क्योंकि ऊपर से मुझे 30 डिग्री एंगल पे चाहिए। अब 60 mm डिस्टेंस में, आप देख पा रहे हो 60 mm डिस्टेंस में है यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ बना दिया हूँ, फिर मैं इसको मैं मिरर कर दूँगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे दो सर्कल बनाना है, तो मैं ये बना रहा हूँ अभी के लिए। तो एक का जो एरिया 18 है, और जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला आपका दे रखा है एक 18 रेडियस का है, एक 20 डायमीटर का है। तो सिमिलरली पहले मैं 20 डायमीटर बना लेता हूँ, 20, ठीक है। एक आपका 18 रेडियस का है, 18 रेडियस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 18 रेडियस का है, 18 का है। तो मैं यहाँ पे एक 18 रेडियस का मैं बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 18 बना दिया, एक मैंने वो बना दिया। अब इसको जो है मैं चाहता हूँ मिरर कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिरर कर लूँगा, मिरर के लिए आप यहाँ पे एक्सपम में जाइए, ठीक है। एक्सपम में जाके
इसको मिरर कर सकते हो। देखो मिरर के लिए क्या चाहिए आपको, सेंटर लाइन चाहिए। तो हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, लाइन देखो सेंटर लाइन बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, लाइन वेट मिलेंगे, यहाँ पे सेंटर लाइन मिलेंगे। तो मैं सेंटर लाइन यहाँ से लिख दिया, अब जो भी लाइन बनाऊँगा मैं सेंटर लाइन पे आएंगे, देख रहे हो अब मेरा सेंटर लाइन बन गया है। तो फिर इसको मैं जाके एज ए नॉर्मल लाइन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर कलर वगैरह चेंज करना सब मिल जाएंगे आपको। तो एक्सपर्ट में जाके मुझे आपको कहाँ जाना है, मिरर, तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है फैसली, फिर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट टू पॉइंट, ठीक है। तो मैं लाइन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सेंटर लाइन को सिलेक्ट करूँगा, फिर ओके कर दूँगा मैं। सिमिलरली आपको एक फिर से सेंटर लाइन बनाना है जो आपके काम आएंगे। सॉरी मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लाइन लूँगा, एक लाइन बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लाइन बना दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इसको बाद में मिरर कर दूंगा, अभी के लिए जो मुझे देखना यहाँ पे ये है इतने कितने का रेडियस, मैंने 17 का रेडियस दे रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे आपको रेडियस लगाना है, इससे हम लोग की लग जाएगी ऑलरेडी, इससे भी लग जाएगा आपको, ठीक है ना, इससे भी लग जाएगा। तो मैंने ये ले लिया हूँ और रेडियस जो है 17 का दे रखा है ना, आपको देख पाओ यहाँ पे 17 का रेडियस दे रखा होगा, 17 रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो मैं पहले ये अलग करूँगा, 17 पुट करना है इसको रेडियस में आपका आगे, उसको डन करना है, ओके करना है, ठीक है, फिर ओके करना है आपको। यहाँ पे आप देख पाओगे 17 का, सॉरी मैंने इसको ऑफ करना भूल गया हूँ, तो आपको इसको जाके लाइन में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपको सेंटर लाइन पे आ जाएंगे। 17 दोनों को पुट करना है, बस उसको ओके करके रखना है आपको, ठीक है। अभी दोस्तों जैसे हम लोग किसी मॉडिफिकेशन टूल यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख पाओगे किसी कलर वगैरह चेंज करें तो मतलब उसमें मॉडिफिकेशन टूल आप यूज़ करते हो। देखो दोस्तों उसके बाद आपको करना ये है, ठीक है, नेल के ऊपर देख, ठीक है। तो इसमें आपको करना ये है, तो इसमें अभी जो है मुझको मिरर मारना है सिमिलरली। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज मारना है और है, इसमें स्ट्रेट लाइन आएंगे फिर इसमें फिलेट लगेंगे। तो मैं स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करूँगा दोस्तों, तो सिंपली जो मेरा लाइन है इसको मैं मारूँगा ऑफसेट। तो मेरा लाइन के जगह में ऑप्शन आता है लाइन पैरेलल, लाइन को सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, किस पॉइंट से आपको, किस पॉइंट से सॉरी लाइन सिलेक्ट करना है, तो डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। इसमें मैंने रेडियस जो लिया था, मैंने सबसे बड़ा वाला रेडियस कितना था मेरा, ये था आपके दोनों अथरा का है, तो मैं यहाँ पर 18 डाल दूँगा, ठीक है। तो मुझे जो है डायरेक्शन सिलेक्ट करना है, अब बोथ डायरेक्शन के लिए हम बोथ सिलेक्ट कर देंगे, सिंगल के लिए सिंगल कर गए। तो ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब मिरर करने के लिए आप मिरर भी कर सकते हो, तो आप एक साथ भी कर सकते हो, मैं बस आपको तरीका एक साथ बताओ, कन्फ्यूज ना हो, मैं इसलिए अलग अलग से कर सकता हूँ, मतलब क्या हो, अब इसमें आप अलग अलग ना करो, एक साथ ही कर लो, तो क्योंकि मैंने तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने था, ठीक है। अब बन गई, यहाँ पर मुझे फिलेट डालना है, सबसे लास्ट वाला हम फिलेट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिलेट डायरेक्ट भी मार सकते हो आप, फिलेट का आपको कमांड मिल ही जाते हैं, मैं बताऊँगा अगले क्लास में आ जाएंगे फिलेट का भी, ठीक है। 14 का फिलेट लगा रखा है तो हम इसमें 14 डालेंगे, 14 सॉरी, ठीक है। तो आप इसको और इसके भी इसमें 14 का फिलेट लगा दो। देखो फिलेट लगाने से क्या होता है, बाकी का पोर्शन आपका ट्रिम हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है इसको यूज़ करने का, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन आप इससे भी लगा सकते हो, जो मैंने लास्ट अभी अभी बताया हुआ आपको, ठीक है। तो इससे भी लगा लो आप, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, इससे भी लगा लो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब उसके बाद आपको ट्रिम करना है, ट्रिम करने के लिए कहाँ जाना है आपको, ट्रिम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको एडिट में जाके ट्रिम ब्रेक ट्रिम, उसके बाद मैंने मुझे ये वाला डिवाइड ट्रिम ऑन करना है, ठीक है। अब जिसको जिसको ट्रिम करना है आप इसको पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लो बस, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार सिलेक्ट करके लेता हूँ, अभी जो काम नहीं है इसका। अब इसमें देखो अब इसको भी ट्रिम किया, आई थिंक उसने नीचे वाला पर्सन को भी ट्रिम किया है, तो हम ट्रिम से इसे लेंगे ट्रिम। तो रेड वाला पर्सन सिलेक्ट करना है, और जिसको जिसको नहीं चाहिए उसको आप ट्रिम कर दो, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद मुझे इसको मिरर करना है, एक्सपर्ट में जाएंगे, मिरर में जाएंगे, हम दोनों को सिलेक्ट करना है पूरी ऑब्जेक्ट को, इसको भी सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है, एंटर कर दो। फिर सेंटर लाइन में जाओ, आप लाइन में जाओ, लाइन पे सिलेक्ट करो, डन कर दो, ठीक है। उसको भी ट्रिम करना है तो हम जाएंगे इधर में, ठीक है,
ठीक है, तो इसको हमने ट्रिम कर दिया है। तो बेसिकली जो मेरा था टॉपिक तो यही था। अब इसमें अभी दोस्तों देखो, मैं लाइन को ट्रिम नहीं करना था, इसको अभी मेरा काम बाकी है इसमें। तो मैंने ये जो है बाहर बाहर का जो है मैंने बना दिया हो, है ना, तो बाहर बाहर का आपको बनाना ज़रूरी है। तो और इसमें एक चीज़ और था दोस्त, इसमें एक चीज़ और था, तो इसको मुझे ट्रिम नहीं करना था, तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको बना लेंगे फिर से, जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो आप, यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, सर्कल। अब इसको लॉक नहीं करना है, सर लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका रेडियस में मुझे बनाना है, इसका रेडियस था आपके 90 डायमीटर का, तो ये हो जाएगा 45 का, ठीक है, सेंटर में आ गई। अब उसके बाद जो है यहाँ पे डबल लाइन आ गई, आपको हटाना है, तो मैं इसको एक साइड बता देता हूँ। अब ये जो है 8 mm का है, तो मुझे इसको क्या करना है, सिंपली एक लाइन बनाना है। अब इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लाइक इस जगह में है, तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन बनाई मैंने, इस लाइन को मैं ऑफसेट करूँ, ऑफसेट, ठीक है, 8 mm मतलब 4 mm का ऑफसेट करूँगा, डायरेक्शन इस साइड, मैंने ऑफसेट डाला, लाइन सिलेक्ट किया, इसमें डालना है 4 mm, 4 mm आपको डायरेक्शन दिया इस तरह, बहुत डायरेक्शन मुझे सही है, दो डायरेक्शन ऑन कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो दोस्तों, देख लो यहाँ पे एक्सफॉर्म आता है रोटेट, ठीक है, एंटर को सिलेक्ट करना है आपको, फिर एंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछता है सेंटर लाइन, मैं बताऊँगा आगे कमांड आएंगे, अभी के लिए आपको बताया नहीं, फिर भी मैंने कमांड दिखाने के लिए गया हो, ठीक है, सिलेक्ट करना है, तो फिर यहाँ पे जाके इंडिकेट करना है सेंटर लाइन को। फिर देखो हमको डेफिनेटली चाहिए कितना है, कितना डिग्री चाहिए, पूरा बॉडी कवर करना है, तो 360 डिग्री, और इसमें आपको देखना ये है 360 डिग्री में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 360 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 60 का है ना। तो यहाँ पे आपको एंटिटी कितना चाहिए, 6, तो यहाँ पे डालना है आपको 6, फिर ओके करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना पाओगे दोस्तों, तो ठीक है। और उसके बाद आता है आपको डायमेंशनिंग करना, ठीक है, डायमेंशनिंग के अभी हम देखेंगे, तो डायमेंशनिंग अभी मैंने आपको बताया नहीं हूँ, ठीक है, तो हम ड्राफ्टिंग भी देखेंगे, ड्राफ्टिंग में जाके डायमेंशनिंग में जाके आपको यहाँ पे डायमेंशनिंग मिल जाएंगे, ओरिजिनल लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, आप ओरिजिनल डायमेंशन ले लो 60 का है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर पार्टिकल डायमेंशनिंग देखना है, तो ड्राफ्टिंग में जाके डायमेंशनिंग में जाके पार्टिकल डायमेंशनिंग ले लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस देखना है, तो आप यहाँ पे जाके इसके रेडियस भी देख सकते हो, डायमेंशनिंग इसमें हम लोग कवर करेंगे, अब इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है, तो हम जो है सारी कुछ चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको बनाना भी पड़ेंगे 2D ऑब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे 2D होता है सिंपल, हम लोग ऑब्जेक्ट बना के ऊपर कटिंग करेंगे, अगे वराई टूटे, जैसे हम लोग मिलिंग स्टार्ट करेंगे 2D मिलिंग पे, तो ऐसे ही मैं ड्राइंग बनाऊंगा, या आप ऑटोकैड में ड्राइंग बना के इम्पोर्ट करोगे, ठीक है, जैसे भी हो, हम फिर इसके ऊपर हम CNC करेंगे, वो भी आप सब तरह हम कवर करेंगे, उसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कवर हुआ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिला, सीखने को मिला है, ठीक है। तो कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कैसे भी कुछ भी डाउट हो, ठीक है, मन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, मैं बताऊँगा वीडियो इसके ऊपर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे अगली कमांड के, और कहाँ कहाँ ये कमांड यूज होता है, फिर हम इसको कोई एक्सरसाइज बना के देखेंगे, तो इस हिसाब से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही है।